इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। जी हाँ, दिल कहाँ समझता है, किसी की कहाँ सुनता है जब हो जाता है किसी को किसी से प्यार। सही कहा ना मैंने? कुछ ऐसा ही हुआ था उनके साथ जो यूएसए से आ गई थी इंडिया करने के लिए शादी। और सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया देखने के बाद वो डूब गई थी उनके प्यार में। शादी का ख्याल उनके मन में ऐसा आया कि उन्होंने मनी मन शादी की पूरी प्लानिंग कर डाली। एक फोटो लेकर वो यूएसए से इंडिया आई सलमान को ढूंढते ढूंढते। कौन थी वो? हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी कुड़ी सोमी अली। सोमी अली आजकल कहाँ है, क्या कर रही है, कैसी है? उन्होंने अचानक क्यों कह दिया बॉलीवुड को बाय बाय? तो आइए शुरू करते हैं सोमी अली की तलाश। सबसे पहले हम उस एड डायरेक्टर सोनू बेलानी से मिले जिन्होंने सोमी अली को पहला ब्रेक दिया था। और यहीं से सोमी के लिए एंटरटेनमेंट की ग्लैमरस दुनिया में एंट्री का रास्ता बना था। तो मैंने जो किया था उनको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया था क्योंकि मैं ऑलरेडी वो फील्ड में थी। एंड बस उनके बाद उसने चालू किया, आई थिंक थोड़ा फिल्म्स भी किया, हम लोग टच में रहे आगे पीछे, यू नो। बहुत मेकअप की शौकीन थी, कपड़े पहनने की बहुत शौकीन थी। सोनू बेलानी ने सोमी अली से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर की और हमने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी स्टार्ट कर दी जगह जगह से। जैसे सोमी अली को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कौन सा उनका फेवरेट फूड जॉइंट है, वो कहाँ जाना पसंद करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई एम 100% श्योर अगर ये सारी जगहों को हम ध्यान से देखते हैं, खंगालते हैं, तो हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। हमारे रिपोर्टर पारस कोठारी बांद्रा वेस्ट इलाके में उस रेस्टोरेंट का पता लगाने जा रहे हैं जो मुंबई में सोमी अली का फेवरेट फूड डेस्टिनेशन था। तलाश कर रहा हूँ, बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी 90s के जमाने में, तो हमें ऐसी जानकारी मिली थी कि वो यहाँ पर भी आती थी काफी। आपके पानीपुरी सेंटर में काफी बॉलीवुड स्टार्स आते हैं यहाँ पे, ऑल सेलिब्रिटीज यूज्ड टू कम हियर। तो आपके स्टाफ में आपके फादर ने कभी देखा है सोमी अली को यहाँ पर, कोई जानकारी बताते थे काफी? सोमी अली की तरह पानीपुरी खाना मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे सोमी अली के पानीपुरी सेंटर से सोमी के बारे में हमें कोई क्लू भले ही नहीं मिला हो, लेकिन हमें सोमी के दो और फेवरेट फूड डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी मिल चुकी है। और अब हमारे रिपोर्टर आशुतोष हाजी अली दरगाह इलाके का चक्कर लगाने जा रहे हैं। एक और दीजिएगा। सोमी अली एक्ट्रेस पता है यहाँ पे जूस सेंटर में जूस पीने के लिए आती थी। यहाँ पे मैं देखा हूँ, यहाँ पे आती थी, मैंने सर्विस भी किया उनका। यहाँ पे जो केसर बादाम पिस्ता मिल्शेक है हमारा, उनको बहुत पसंद था। हाल ही में कभी आती हूँ? नहीं, हाल ही में नहीं आई। हाजी अली दरगाह इलाके से निकलकर हमने मरीन ड्राइव जाने का फैसला किया क्योंकि वहाँ का एक रेस्टोरेंट सोमी अली का फेवरेट था। क्या वहाँ पहुँचकर हमें कोई क्लू मिल सकता है? यहाँ पे सोमी अली आती थी पाव भाजी वगैरह खाने के लिए। सोमी अली 20-25 साल पहले आता था इधर पाव भाजी खाने के लिए। अच्छा, कभी आपने देखा है? हाल ही में कभी आती? नहीं सर, अभी 17-18 साल हो गए, उन्हें कभी देखा नहीं है। तो देखा आपने, हमने सोमी अली के फेवरेट फूड डेस्टिनेशंस को तो ढूंढ निकाला, लेकिन सोमी अली पिछले कई सालों से वहाँ गई ही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सोमी अली हैं तो हैं कहाँ? मुझे लगता है कि मुंबई की जिस लोकेलिटी में वो रहा करती थी वहाँ अगर हम जाकर चेक करते हैं तो हमें उनसे जुड़ा कोई ना कोई लीड जरूर मिल सकता है। अब हम आ पहुँचे हैं बांद्रा के माउंट मैरी चर्च, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक सोमी अली सालों पहले माउंट मैरी के इसी इलाके में रहा करती थी। कि आखिर वो कौन सी बिल्डिंग है, वो कौन सा अपार्टमेंट है जिसमें सोमी अली का घर हुआ करता था? एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है सोमी अली करके, 90s में थी सोमी अली, मुझे पता चला यहाँ कहीं रहती हैं। आप जानती हैं कहाँ रहती हैं?
सोमी अली पता नहीं इधर रहते हो मालूम, पहले वो जू में रहता था उतना मालूम, अभी किधर रहती पता नहीं। ये सोमी अली करके एक एक्ट्रेस हैं, 90s के जमाने में थी बॉलीवुड में, सोमी अली। चर्च है ना, CNI चर्च। अच्छा, ये माउंट मेरी रोड पे थोड़ा आगे गए। अच्छा, तो चर्च के बाजू में ही बगल में बिल्डिंग है विंध्या चर्च, उसमें रहती है। उसमें रहती रहती थी। तो अब हमारा अगला पड़ाव है विंध्याचल सोसाइटी, क्योंकि वहीं हमें पता चलेगा कि आखिर सोमी अली है कहाँ। आप मैनेजर हैं सर इधर के ना? राइट। सोमी अली को ढूंढ रहे हैं। वो पहले यहाँ पे, मैं 11 साल से हूँ, उसके पहले कभी रहती थी, वो भी भाड़े पे रहती थी। कौन से फ्लैट में थी, मकान मालिक कौन है, उनसे शायद कोई जानकारी मिल जाए। आई वॉन्ट टू डू एन इंटरव्यू विद सोमी अली, तो उस इंटरव्यू के लिए मुझे सोमी अली से कॉन्टेक्ट करना है। सोमी अली तो कहीं से कहीं कहाँ कहाँ निकल गई। अच्छा, आपने कभी देखा उनको यहाँ बिल्डिंग में? नेवर। तो देखा आपने, सोमी अली जिस अपार्टमेंट में रहती थी वहाँ से हमें कोई क्लू नहीं मिला। ऐसे में अब क्या हमें सोमी अली के फिल्मी कनेक्शन से कोई लीड मिलेगा? हमने सोमी के को स्टार्स अविनाश वधावन और गजेंद्र चौहान से बात की। मैंने एक फिल्म साइन की थी चुप, हमने करीब 20-25 दिन साथ में काम किया, जिसमें कुछ गाने थे और कुछ अच्छे सीन्स थे। डबिंग मुझे याद है, एक बार मिले थे डबिंग के दौरान जब फिल्म की शूटिंग पूरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद से लेके आज तक मेरी उनके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, ना ही कभी। उसके बाद मैंने सुना था कि वो शायद इंडिया छोड़ के चली गई, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू पता चला कि मे बी शी इज़ इन US एंड शी हैज़ टेकन अप सम सोशल वर्क। सोमी अली के साथ हम लोगों ने एक फिल्म की थी आओ प्यार करें, काफ़ी डिसिप्लिन एक्ट्रेस थी वो। आजकल सुना है कि अमेरिका में है, एक्टिविस्ट बन गई हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के अगेंस्ट उसमें काम कर रही हैं। सोमी अली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि बचपन में शी वॉज एब्यूज चाइल्ड और आज इसी उन्हीं मुद्दों पर वो काम कर रही है। सोमी अली अमेरिका में सेटल हो चुकी हैं और वो कर रही हैं सोशल कॉज के लिए ढेर सारा काम। अब जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो सोमी अली के साथ लगातार टच में हैं। तो क्या इनसे बात करने के बाद हम सोमी अली तक पहुंच पाएंगे? और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सोमी अली के सेक्रेटरी रह चुके शशि सिन्हा हैं। हम लोग जब मिले थे एक ही बार मुझे ऐसा लगा कि नहीं, या तो ये तो बड़ा डाउन टू अर्थ लड़की है। स्टारडम के चक्कर में नहीं थी वो, उसके दिमाग में था कि अच्छा काम मिले करें, बट करते कराते कुछ फिल्में चली, कुछ आने वाली थी जो ज़्यादा क्वालिटी वर्क होने वाला था जो आगे नहीं बढ़ पाई, बट वहाँ पर सफ़र रुका तो मैंने रोका भी नहीं, क्योंकि उसका मूड ऐसा नहीं था कि आलतू फालतू स्ट्रगल करके वो रुके और पड़ी रहे और मैं उसको फिर बाधक बनूँ कि नहीं जी मत छोड़ो मत जाओ। बाकी बातचीत हमारी होती रहती है बिकॉज ऑफ गुड रिलेशन, आदमी भूलता नहीं, वही सबसे बड़ी उसकी नेमत होती है हमको जो मिली है, कि वो न वो भूली है न हम भूले। और टिल टुडे आज भी सोमी का एक फ़ोन आता है तो वो पूरा फैमिली का हाल पूछ जाती है, सब लोग कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं। आजकल तो NGO के लिए भी कुछ काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। सोमी अली अमेरिका में नो मोर टीयर्स नाम के एक NGO को रन करती है और करती है सोशल कॉज के लिए ढेर सारा काम। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद हमें सोमी अली का एक अनवेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट मिला जिसे मैं इस समय ब्राउज कर रही हूँ, और यहाँ पर हमें उनके NGO नो मोर टीयर्स के बारे में भी काफी इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है। तो क्या हम सोमी अली तक पहुँचने वाले हैं? क्या हमारा मिशन तलाश पूरा होने वाला है? दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि सोशल मीडिया के जरिए हमें सोमी अली के NGO नो मोर टीयर्स से जुड़ी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लग चुकी थी, और यहीं से हमें रास्ता मिल गया सोमी अली तक पहुंचने का। कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमारा अमेरिका जाना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिए हमारी तलाश को मंजिल मिली, एंड फाइनली सोमी अली अब हमारे साथ। सबसे पहले आप ये बताइए कि इंडिया TV ने आपको ढूंढ निकाला है, तो आप क्या कहेंगे हमसे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला, और कैसे ढूंढ निकाला ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं ऐसी गायब हुई कि किसी को पता भी नहीं चला। आप जैसे गायब हुई हमने वैसे ही आपको ढूंढ निकाला, आपके आपके अंदाज में मैं कह रही हूँ। जबरदस्त। हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? देखिये, मैंने इंडिया छोड़ा था December 1999 में,
तो उसके बाद मैंने आके अपनी बैचलर्स डिग्री खत्म की, फिर मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री की साइकोलॉजी में और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में, और उसके बाद मैंने नो मोर टीयर्स अपनी नॉन प्रॉफिट एनजीओ शुरू की. और मैंने ये इसलिए शुरू की क्योंकि मैं एक ऐसे घर में पली बड़ी थी जहाँ पे बहुत ज्यादा अब्यूज थी. जो हमारा कुक था उसने सेक्सुअली अब्यूज किया था. और उसके बाद जब मैं 14 साल की थी, जब हम अमेरिका आ गए थे, 11 साल में मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी. आई वॉज अ रेप विक्टिम एट द एज ऑफ 14. क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी इतना विक्टिम ब्लेमिंग करती है कि मेरे लिए ये बात बहुत मुश्किल थी कि मैं ये बात मतलब अनाउंस करूं लोगों को. आई एम सॉरी आई एम गेटिंग इमोशनल, मगर ये मेरे लिए जो है बहुत मुझे वक्त काफी वक्त लगा कि मैं अपनी आवाज उठा सकूं अपने साथ जो मेरे साथ जो हुआ था उसके लिए. मेरा मकसद ये था ये एनजीओ से कि इनकी जितनी भी बुरी चीजें मेरे साथ हुई हैं, मैंने सोचा कि इनको क्यों ना कोई पॉजिटिव कॉज के लिए यूज किया जाए. तो मैंने ये इंस्पिरेशन थी मेरी ये, तो जब मुझे प्रेसिडेंट बराक ओबामा का प्रोक्लेमेशन आया मिला और जॉर्ज बुश का अवार्ड मिला, तो मैं तो बिल्कुल मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था. ऐसा लगता है कि ये सच है कि सपना है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बात सपनों की निकली तो हमने सोमी अली से उस सपने के बारे में भी पूछा जिसका नाता बॉलीवुड से था. 16 साल की उम्र में अमेरिका से आप मुंबई आई, मैंने प्यार किया तो तुम देखकर आपको सपना आया था कि आपकी सलमान से शादी हो रही है. इतनी स्टूपिड बात लगती है ये कि उस रात को मुझे ख्वाब आया कि मैं जो हूँ इंडिया जाके मुझे सलमान से शादी करनी है. मुझे एक्टिंग वैक्टिंग ना आती थी, ना कोई शौक था, ना डांस तो मैं कर ही नहीं सकती अपनी टू सेव माई लाइफ. तो इत्तेफाक से जब मैं पहली मॉडलिंग एजेंसी में गई तो सलमान सोफे पे बैठा हुआ था. मैंने उसको नहीं देखा, उसने मुझे देखा. तो उसने फिर मेरी तस्वीर ली और उसने मुझे सीरॉक होटल में कॉल किया और कहा कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, बुलंद मेरी होम प्रोडक्शन है, तो हम चाह रहे हैं कि तुम मेरे साथ ऑपोजिट काम करो. तो मैंने कहा कि ये कोई मेरे पर प्रैंक पुल कर रहा है, ये इम्पॉसिबल है, ये कोई. तो मैंने कहा कि अगर अच्छा अगर आप सलमान है तो मैंने प्यार किया कोई डायलॉग बोलिए. तो उन्होंने डायलॉग बोला और फिर मैं हंसने लगी. मुझे ये पता था कि इससे तो मुझे शादी करनी है. मुझे ये भी नहीं पता था कि सलमान की गर्लफ्रेंड है उस टाइम पे, कुछ नहीं पता था. तो फिर उसके बाद फिर मैं साइन हो गई बुलंद के लिए. फिर सलमान के साथ पहली दफा मैं मिली जब हम नेपाल जा रहे थे शूटिंग करने. तो मैंने उसको सलमान को मैंने उनको अपनी तस्वीर दिखाई. मैंने कहा देखिए मैं सिर्फ आपकी तस्वीर लाई हूँ फ्लोरिडा से और मेरी और आपकी शादी होने वाली है. तो वो कीप इन माइंड कि मैं 16 साल की थी, वो 27 साल के थे. तो उन्होंने कहा कि मगर मेरी तो गर्लफ्रेंड है. तो मैंने कहा कि नहीं नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाले ने ये लिखा है, हमारी डेस्टिनी है ये. तो इवेंचुअली जो है ऑफ कोर्स फिर हम लोगों ने डेट किया 8 साल तक. और अनफॉर्चुनेटली जो फेरी टेल है वो बहुत ही बुरी तरह एंड हुई और फिर मैं छोड़ के आ गई दिसंबर में. दिल की बात जुबा पर आई तो सोमी ने सलमान खान से अपने ब्रेकअप की वजह भी बताई, जिस पर आज तक काफी कुछ लिखा जा चुका है और हम सब ने काफी कुछ सुना भी है. देखिए मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके वो दोस्त हो या इंटीमेट रिलेशनशिप हो, अगर 90% जो है दुख है और 10% खुशी है तो ये अच्छा बैलेंस नहीं है. तो मेरी और सलमान की जो रिलेशनशिप थी वो बहुत अनहेल्थी रिलेशनशिप थी. मेरे हिसाब से बेस्ट था कि 99 दिसंबर में जब पानी सर से ऊपर चला जाता है कहते हैं, तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इसको रिलेशनशिप को ब्रेकअप करके मेरा जाना मस्ट है. खान से तो मैं बिल्कुल इन टच नहीं हूँ, मेरी 4 साल से उनसे बात नहीं हुई है. मगर मैं उनके लिए मैं ग्रजेस होल्ड नहीं करती हूँ एंड आई विश हिम द बेस्ट एंड आई नो कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी फाउंडेशन के साथ. लास्ट सवाल आपसे ये मेरा कि यू आर सिंगल, सो एनी प्लान्स फॉर फ्यूचर? मेरे लिए शादी इज नॉट इम्पोर्टेंट. और हाँ, जब मैं 20s में थी, 24-25 की थी, उस वक्त मुझे शादी 100% करनी थी, मुझे 2 बच्चे चाहिए थे. मगर अब मेरे बच्चे जो है मेरे नो मोर टीयर्स के बच्चे हैं. और जहाँ तक बॉयफ्रेंड या हस्बैंड का सवाल है, मैं डेट कर रही थी किसी को 7 साल तक, मगर मेरा पिछले
दो तीन महीने हुए जो ब्रेकअप हो चुका है। टूटे रिश्ते के दर्द को भूलकर सोमी अली जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी हैं। हमने उनसे पूछा कि फ्लोरिडा शिफ्ट हो जाने के बाद क्या वो कभी इंडिया आई हैं? इंडिया आने का मन करता है? मिस करती हैं आप इंडिया को? बहुत मिस करती हूँ। मेरी दुनिया में सबसे पसंदीदा जगह है राजस्थान, जयपुर। मेरी चार लड़कियां जो गर्लफ्रेंड्स यहाँ पे हैं, जो दोस्तें हैं, हम सब ने वीजा के लिए अप्लाई किया इंडिया के, तो उन तीनों को तो मिल गया, मुझे नहीं मिला। वीजा एप्लीकेशन में लिखा है कि अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो आपको वो लिखना पड़ेगा। तो मेरी जो सिटीजनशिप है, पाकिस्तानी भी अमेरिकन भी, तो मेरा वीजा डिनाई हो गया। तो अब मेरी विनती है, अगर मोदी जी ये देख रहे हैं कि मोदी जी मुझे प्लीज वीजा दे दीजिए, मुझे सिर्फ राजस्थान आके देखना है और मुझे कोई मेरा कोई और मोटिव नहीं है। तो देखा आपने, हमने इस तरह से ढूंढ निकाला सोमी अली को और सोमी ने चुन चुनकर उन तमाम सवालों के जवाब बड़े ही प्यार से दिए जिन पर आज तक उन्होंने खुलकर किसी भी मंच पर बात नहीं की है। सोमी, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सोशल कॉज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो तलाश एक सितारे की आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर करेंगे कैसे सितारे की तलाश जो कहीं खो गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।